हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बिज्जू मुंबई आने वाली है, तो फाइनली बिज्जू मुंबई आ गई है। मैं अपने इयररिंग देख ली। ओह माय गॉड, सर बिज्जू को मैंने एक क्यूट सा बटरफ्लाई इयररिंग पहना दिया है, पसंद आया मुझे। और अभी वी आर जस्ट अबाउट टू गो आवर साइट। और बिज्जू तो वैसे पहले भी विजिट कर ही चुकी है, लेकिन काम प्रोग्रेस के बाद पहली बार विजिट करेगी, तो वी आर एक्साइटेड नाउ एंड वी आर गोइंग राइट नाउ। तो मिलते हैं आपको ऑन द वे में। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, ये मतलब इयररिंग के साथ मुंडा ब्राउन मुंडा लग रही है तुम तो। सो फाइनली वी आर ऑन द वे टू आवर साइट्स एंड वी आर एक्साइटेड नाउ ऑल्सो एंड आई डोंट नो अबाउट विजो। यू आर ऑल्सो? यस, बट आई एम लुकिंग मोर एक्साइटेड देन यू। रात को था क्या था? देखिए डिवाइडर पे चढ़ा दिया है, पूरा का पूरा ही वो हो गया है। बहुत बैडली एक्सीडेंट हुआ है ना? तो ये सब ना नींद की वजह से भी ज्यादातर होता है। हाँ, मतलब 2 बजे के बाद नींद आती ही है। जो गाड़ी वाली ड्राइव करते हैं ना, तो जो मेजरली जो एक्सीडेंट होते हैं वो 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होते हैं। सो अभी हम लोग ना जाते जाते रास्ते में हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगली बार कौन ज्यादा स्लिम हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों ही थोड़े तुम बोलियो कि अगली बार मिलोगे तब स्लिम हो जाएगा। हाँ। और हम अगली बार मिलेंगे तो तुमको कहना पड़ेगा बिज्जू थोड़ा खाया करो। देखो हमको नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी वो दिन आने वाला है, फिर भी सोचने में क्या जा रहा है। और क्या, हम तुमको बोलना पड़ेगा बिज्जू बहुत पतली हो गई है यार, थोड़ा खाया करो। हमको आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं बोला कि तुम बहुत पतली हो गई हो। हमको बड़ा अच्छा लगता है इस बात को। तुम ऐसा चाहती हो कि कोई तुम्हें बोले कि बहुत पतली हो गई है, थोड़ा खाया पिया करो। जो ये सब बात कहने की है, हम किसी को छोड़ते नहीं है कि हमको कोई कहे, हम अपना पहले ही से खा पी कर तैयार रहते हैं। सो यहाँ पे काम चल रहा है बहुत जोर शोर से, और बैक कैमरा करके दिखाना तो बनता ही है कि किस तरीके से धूप में मैं जल गई हूँ। आप देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे लोग लगे हैं, इधर भी लगे हैं, अंदर बैठे सब काम कर रहे हैं। तो आफ्टर अपना साइट का काम कंप्लीट करने के बाद आफ्टर पता चला कि तुम कितना थकी जाती हो यार। वाकई क्या लगा तुमको आज? बहुत ज्यादा काम करती हूँ, लेकिन मैं तब भी खुश रहती हूँ। मैं हमेशा जब भी मिलती हूँ तो मैं जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रही होती हूँ ऑलवेज। और जिस जगह पे रुके हैं, ओ माय गॉड, टू मच गुड गार्डन। और क्या है ना कि हमेशा ही हम लोग लंच करने, ये तो पास में है ना, तो हम लोग हमेशा ही लंच करने यहीं पे आते हैं। और आज मैं आपको अपना लंच करवाऊंगी तुमको। और चलिए नहीं, मेरे मेनू का जो मैं करती हूँ वो बहुत, मैं भी करती हूँ सेम। मैं कोई थोड़ी ना। अच्छा, तो मैं बहुत सारा काम किया दिन भर, और उसके बाद अभी आए हैं लंच डिनर करने। तो डिनर में तुमको टेस्ट जरूर मिलेगा आज। आज फिर किया जाए डिनर। बढ़िया ना, इयररिंग बहुत जोरदार लग रहा है कुछ भी ना, बहुत जोरदार। मेरा तो कुछ भी नहीं लग रहा है तुम्हारे सामने, तुम्हारा बहुत जोरदार है। सो अभी हम लोग दोनों बहन, हम दोनों बहन, जब मुझे बिज्जू मिल जाती है ना, तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है। ये एक फैक्ट है कि नहीं बिज्जू? बिल्कुल। तो अभी हम दोनों बहन आए हैं डिनर करने, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था हमने। अभी हम दोनों आगे झूला झूल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है झूलों। अभी तो हमको बहुत रिलैक्स मिल रहा है, बहुत दिनों बाद ऐसा झूला झूल रहे हैं रिलैक्स वाले, है ना। बहुत थके हुए हैं, ऐसा लग रहा है ना कि शायद हमको लगता है पहली बार वैसा काम देखने का, काम करवाने का मौका मिला है, चाहे जो भी बोलो इस तरह से। मतलब कैसे एक छोटा काम, एक बड़ा काम, खुद का काम है ना करवाना, बहुत मुश्किल है। तुमने दूसरे का काम इजीली कर दोगे, क्योंकि प्रेशर में रहता है, चलो कर देना है। उसको पता रहता है सिर्फ ये काम है, ये काम आप कर देना है उसका, हाँ बात खत्म है। लेकिन अपना काम में यही होता है, चीज ऐसा इतना सारा काम होता है ना जो आपको खुद करना होता है, एक एक चीज़ के
मानना पड़ेगा। मतलब पता है क्या, दूर चैलेंजिंग तो रहता ही है, पता है दूर से ना, दूर से लगता है ढोल सुहावन लगता है। हाँ, दूर का ढोल सुहावन लगता है, समझ वाकई ऐसा लगता है ना कि चलो क्या ही काम करना है, फैक्ट्री है, करवाना है, ये करना है, वो करना है, बट नहीं। तुम्हारा थका हुआ फेस नहीं लगा। झुलके सजनी बिहान हो पवनी। चलिए हम आप लोगों को दो लाइन गाना सुनाते हैं। झूला झुलके सजनी बिहान हो तो पवनी। अरे वो झूला में वो फास्ट में बोलते हैं ना, जन्माष्टमी में। जन्माष्टमी के पास समय ना रात भर जगना होता है। हाँ, और झूला भी झूलते हैं उस समय ना। हाँ। कृष्ण जन्माष्टमी जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं पे सीधे जन्माष्टमी बोलते हैं, कहीं कहीं पे कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं, तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है। मेरा खाना लगा।